आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हाल ही में रिलीज होने वाली आप सबकी फेवरेट मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 9 को। इस मूवी का आगाज गाड़ियों की रेस से होता है। जैक के पास एक आदमी आता है और इसे कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम तो पहले से ही जीत गए हो। जैक इस आदमी को कहता है कि जीत ताकतवर की नहीं बल्कि दिमाग वाले की होती है। ये कहने के बाद इनकी दोबारा रेस स्टार्ट हो जाती है। इस रेस में जैक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अपने बाप को जलता हुआ देखकर इसका बेटा डेमोनिक रोना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमोनिक ट्रक को ठीक कर रहा होता है। डेमोनिक के पास इसकी छोटी बेटी ब्रेन होती है जो इसे ट्रक सही करने के लिए टूल्स दे रही होती है। डेमोनिक इसे पूछता है, जो काम मैंने तुम्हें सिखाया है क्या वो तुम्हें याद है? ये बच्ची स्माइल पास करते हुए हाँ में जवाब देती है। इसके बाद ये लोग एक गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। डेमोनिक ब्रेन से कहता है कि तुम्हें पता है ना कहाँ जाकर छुपना है। ये सुनकर ब्रेन भागती हुई अंदर चली जाती है और डेमोनिक अपनी गन को इस कार की तरफ करता है। कार में से एक आदमी निकलते हुए कहता है, मेरे पास कोई भी हथियार नहीं है। इसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि इतनी जल्दी बंदूक क्यों लेकर आ जाते हो। ये आदमी डेमोनिक का फ्रेंड होता है। ये लोग डेमोनिक को एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में एक आदमी हेल्प मांग रहा होता है। इस आदमी का नेम मास्टर नोबडी होता है। इसके बाद ये वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये देखकर एक लड़की कहती है कि मास्टर नोबडी को किसी ने डाटा इनक्रप्ट करने के लिए सिग्नल भेजा है। इनमें से एक आदमी कहता है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। ये सुनकर डेमोनिक कहता है कि मैं ऐसे मामलात से रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं इन कामों में नहीं पड़ना चाहता। इसके बाद एक आदमी कहता है कि ये सब कुछ साइफर यानी कि तुम्हारी वाइफ के कातिल के बारे में बताया जा रहा है। डेमोनिक इनकी एक भी बात नहीं सुनता और वो यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है और डेमोनिक दोबारा उस वीडियो को देखता है जिसमें मास्टर नोबडी हेल्प मांग रहा होता है। अगली सुबह ये लोग मोटेक्टो जाते हैं। यहाँ पर आकर ये लोग देखते हैं कि तिजोरी को किसी ने पहले से ही खोलने की कोशिश की हुई है। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर इनके ऊपर कोई फायरिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में डोमिनिक के दोस्त मारे जाते हैं। ये देखकर सब लोग दुखी हो जाते हैं तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जैकब के लोग अभी भी इनके पीछे लगे होते हैं और इनके ऊपर बहुत ज्यादा फायरिंग करते हैं। ये सीन बहुत ज्यादा कमाल का होता है। थोड़ी देर के बाद डोमिनिक की कार के ऊपर इसकी एक टीम मेंबर आकर गिरती है और वो डोमिनिक से पूछती है कि डिवाइस कहाँ है। ये डिवाइस यहाँ से जैकब लेकर जा चुका होता है। जैकब डोमिनिक का छोटा भाई होता है। इसके बाद ये लड़की डोमिनिक की कार में बैठ जाती है और इसे पूछती है कि ये जैकब था ना। डोमिनिक हाँ में सर हिलाता है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। डोमिनिक और इसके लोग जैकब के लोगों की बहुत सारी गाड़ियां तबाह करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर एक ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन ये ब्रिज टूट जाता है और ये लोग भी बच जाते हैं, लेकिन डोमिनिक के पीछे काफी ज्यादा लोग लगे होते हैं। आगे रास्ता खत्म हो जाता है लेकिन डोमिनिक अपनी गाड़ी नहीं रोकता। ये सीन देखने वाला होता है। डोमिनिक बच जाता है। इसके बाद हम जैकब को देखते हैं जो एक आदमी को कह रहा होता है कि तुमने मेरे फादर को जान से क्यों मार डाला। ये आदमी कहता है कि उसका प्लान था कि वो मुझे जान से ही मार दे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो, जिसकी वजह से मैंने इसे जान से ही मार दिया। बातें करते हुए इन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग एक लेडी के पास जाते हैं। वो इन्हें बताती है कि कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया था और वो सौदेबाजी पे उतर आए थे। फिर वो इन लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोग पैसा लेकर आए हो। ये सुनकर जैकब कहता है, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। ये लेडी से कहती है, बेशक मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुमने अपनी लाइफ अपने ही भाई डोमिनिक से आगे निकलने में ही गुजार दी और तुम अपने भाई से ज्यादा होशियार और मजबूत होना चाहते हो। फिर इसे कहती है कि क्या ये सच है कि डोमिनिक से नफरत करना तुम्हें रातों को जगा के रखता है। इसके बाद ये लेडी उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ प्रोजेक्ट दिखाते हुए कहती है कि अपने भाई को फंसाने के लिए तुम्हारे पास यही सही मौका है। जैकब कहता है, मेरा यकीन करो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दूसरी तरफ हम डोमिनिक को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ एक सुरंग में जाता है और वो अपने साथ रहने वाली लड़की से पूछता है कि क्या तुम अपनी पुरानी लाइफ को याद करती हो। ये लड़की हाँ में सर हिलाते हुए इसे कहती है, क्या आप भी अपनी पुरानी लाइफ को याद करते हैं। डेमोनिक इसे कहता है, मुझे मेरी पुरानी लाइफ हर रोज याद आती है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर डोमिनिक की बहन आ जाती है।
और वो इसे कहती है, देखो जैकब मेरा भी भाई है, लेकिन मैं उसकी मदद करना नहीं चाहती क्योंकि इस टाइम वो गलत रास्ते पे जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। डोमिनिक कहता है कि इस बिजनेस में खतरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सबको एक लेडी गाइड कर रही होती है। वो इन्हें बताती है कि एरीज किसी भी बाइनरी बेस्ड डिवाइस को कैच कर सकता है। इनमें से एक लेडी कहती है कि हमने प्लेन में से क्या हासिल किया। वो बताती है कि हमने प्लेन में से इस प्रोजेक्ट को हासिल किया है। फिर वो इन्हें बताती है कि जैसे ही आप एरीज को लोड करेंगे तो ये प्रोजेक्ट एक वायरस की तरह फैल जाएगा, और कहती है कि इसके बाद जैकब इस काम का मालिक बन जाएगा। फिर वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए इन्हें बताती है, इस खतरे को कम करने के लिए मास्टर नोबडी ने प्रोटोटाइप को खत्म करके इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसका एक हिस्सा जैकब के पास है और वो दूसरे हिस्से को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास तिजोरी की चाबियां नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिक अपने भाई के पास जाता है और इसे कहता है कि अगर तुम जीत गए तो घर वापस आ जाना, लेकिन अगर तुम हार गए तो कभी भी वापस मत आना। जैकब कहता है कि ये क्या बकवास है। ये सुनकर डोमिनिक कहता है कि फिर मुझे तुम ये बताओ कि तुमने अपने ही फादर को क्यों मार डाला। इस बात का जैकब के पास कोई भी जवाब नहीं होता। इसके बाद डोमिनिक एक आदमी के पास जाता है। ये आदमी इसे कहता है कि तुमने जैकब के साथ बहुत ही बुरा किया, तुम्हारे पास तुम्हें प्यार करने वाले हैं, लेकिन जैकब के पास कोई भी नहीं है, और कहता है कि ये दुश्मनी उस वक्त तक नहीं खत्म होगी जब तक तुम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। इसके ये बातें सुनकर डोमिनिक यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिक के लोग एक रिमोट कंट्रोलर गाड़ी तैयार करते हैं। ये गाड़ी इन लोगों ने स्पेस में भेजनी होती है। इस गाड़ी की स्पीड जहाज की स्पीड के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है। इसके बाद हम डोमिनिक को एक लेडी के पास देखते हैं। डोमिनिक इस लेडी से पूछता है कि मैंने सुना था कि आपको जेल हो गई थी। ये लेडी से कहती है, हाँ मुझे जेल हो गई थी, लेकिन मैं बहुत ही जल्द बाहर आ गई थी। बातें करते हुए ये दोनों यहाँ से निकलते हैं। डोमिनिक इसे बताता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, और कहता है कि वो यहाँ पर कुछ अरसा पहले अपनी टीम के साथ आया था। ये लेडी इसे कहती है, हाँ वैसे मैं एक आवारा टीम को जानती हूँ, इस टीम में एक लड़का बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, क्या वो तुम्हारा कजन है। डोमिनिक कहता है, नहीं वो मेरा भाई है। ये लेडी इसे जैकब के घर के बाहर छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर डोमिनिक अपने भाई से मिलता है। जैकब इसे कहता है, जिस भाई को तुम ढूंढने आए हो वो यहाँ पर नहीं है, अब वो काफी बदल चुका है। इन दोनों के दरमियान कुछ तल्ख बातें शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों अपनी गन्स को एक दूसरे के ऊपर मारने के लिए उठाते हैं। ये देखकर जैकब के आदमी डोमिनिक को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम डोमिनिक की सिस्टर और इसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। इन दोनों के ऊपर जैकब के लोग आकर हमला कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। जैकब के लोग इन्हें मारकर भाग जाते हैं। इसके बाद डोमिनिक और इसकी टीम को दिखाया जाता है जो जैकब के ऊपर नजर रखती है, लेकिन जैकब इनकी नजरों से बचकर निकल जाता है। डोमिनिक की टीम की एक लड़की ट्रक के जरिए जैकब का पीछा करना शुरू कर देती है। इस ट्रक में बहुत सारी मैग्नेटिक डिवाइसेस लगी होती हैं। इस ट्रक में दो सिक्योरिटी गार्ड और डोमिनिक की टीम के दो लोग भी होते हैं जो इन सिक्योरिटी गार्ड को ट्रक से नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद डोमिनिक भी जैकब का पीछा करते हुए इसे पकड़ लेता है और इनके दरमियान बहुत ही फाइट होती है। इसके बाद जैकब यहाँ से भाग जाता है। ऑटो अपने सारे फाइटर्स को लेकर डोमिनिक के पास आ जाता है। इनके साथ जैकब भी आता है। वो अपने भाई से कहता है कि मैं एक गद्दार हूँ। ये सुनकर तुम काफी हैरान हो गए हो ना। इसके बाद वो तिजोरी की चाबियां देखते हुए कहता है, मैं बहुत देर से इन चाबियों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज तुम खुद ही इन्हें मेरे पास ले आए हो। और कहता है, शुक्र है मेरा बाप मर गया है, वरना मुझे अपनी सारी लाइफ तुम्हारे अंडर गुजारनी पड़ती, लेकिन अब तुम अपनी सारी लाइफ मेरे अंडर गुजारोगे। ये सुनकर डोमिनिक कहता है कि तुम हमारे खानदान के लिए एक धब्बा बन चुके हो। जैकब कहता है कि तुम नहीं जानते कि हमारे फादर कितने बुरे इंसान थे। ये सुनकर डोमिनिक कहता है कि बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें गलत कामों से रोकूंगा। इसके बाद इन दोनों भाइयों में बहुत ही झगड़ा होता है। जैकब अपने भाई को इतना मारता है कि वो बेबस होकर पानी में जा गिरता है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है।
दूसरी तरफ डोमिनिक की टीम की लेडी इन्हें कहती है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और जैक के पास वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके जरिए वो हर चीज को तबाह कर सकता है। इसके बाद ये लोग अपने दो लोगों को स्पेस में डाटा डाउनलोड करने के लिए भेजते हैं। ये देखते हुए जैकब भी अपनी टीम के दो लोगों को डोमिनिक की टीम के डाटा को हासिल करने के लिए भेजता है। डोमिनिक की टीम इस डाटा को डाउनलोड करके वापिस आ जाती है, लेकिन जैकब के लोगों का स्पेसशिप तबाह हो जाता है तो जमीन पर डोमिनिक और इसकी टीम के पीछे जैकब के लोग पड़ जाते हैं। ये सीन बहुत ही कमाल का होता है। दूसरी तरफ हम डेमोनिक को देखते हैं जो जैकब की टीम के ऊपर बॉम्ब फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिक और जैकब अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं। जैकब की सिस्टर इसे हग करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही खो दिया था, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डोमिनिक ने अपने घर में कुछ लोगों को खाने पर इनवाइट किया होता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।